ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट देखा था, और साथ में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वो भी देखा था। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियोमीटर? ओके, तो इसका एक छोटा सा रिविजन कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा मैं आपको वापस इसका छोटा सा रिविजन करवा देता हूँ, यानी जब हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक सर्किट है, ये सर्किट में हम लोगों ने एक सेल लगाया हुआ है, लेट अस से यहाँ पे एक की है, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं दिस इज ई, विच इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मैं कौन से भी तो भी दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है तो ए एंड बी के बीच में मैं क्या अप्लाई करूंगा या क्या लगाऊंगा? ओके, अप्लाई करने से अच्छा ऐसे बोलूंगा मैं, वहां पे क्या लगाऊंगा, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको कल के लेक्चर में ये भी बोला था, कि एक स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके, यस, तो बेसिकली वोल्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम आता है या क्या एरर आता है? ओके, वो एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलते हैं लेट अस से जो ईएमएफ ई है वो करंट आई सेंड कर रहा है, ठीक है, और ए और बी जो है तो उसके बीच में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है। लेट अस से ए एंड बी के बीच में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। ओके, तो अगर आपको ए एंड बी के बीच में सपोज वोल्टेज मेजर करना है, हम लोग बोलेंगे एक तरीका है वी ए बी इज इक्वल टू वॉट आई इंटू आर, यानी ओम्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, ए और बी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे कहा तो भी सीरीज में आपको एक एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपको करंट का रीडिंग क्या करेगा देगा, यानी आई का वैल्यू देगा, और आपको आर का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या लगेगा, एक एमीटर लगेगा पहली बात तो, जो आपको करंट आई का वैल्यू पता है, उसके बाद फिर आपको आर का भी वैल्यू पता होना चाहिए। सपोज अगर ये दोनों पैरामीटर आपके पास नहीं है, यानी आपके पास एम मीटर भी नहीं है और रेजिस्टेंस आर का भी वैल्यू नहीं है, तब फिर आप वोल्टेज कैसे मेजर करोगे? तो वोल्टेज मेजर करने के लिए तब हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। अब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट आए वो जंक्शन ए पे डिवाइड हो जाएगा, लेट अस से हमने बोला इसको आई वन और ये जो करंट है इसको मैंने बोल दिया आई टू। ओके, तो बेसिकली अभी जो ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है आर, उसमें से जो करंट पास हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वन, और हम लोग बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा अभी, देखो क्या है ना, पहले पूरा का पूरा जो आई है वो पास हो रहा था ए एंड बी के बीच में। ओके, लेकिन अभी ये जो आई है तो वो एक तरह से स्प्लिट हो गया है एज आई वन प्लस आई टू। तो अब क्या हो रहा है, जो आई टू है वो किसमें से जा रहा है, वोल्ट मीटर में से जा रहा है, और बचा हुआ करंट आई वन जो है वो किस में से जा रहा है, आर में से जा रहा है। ठीक है, तो अब लॉजिक ये है कि जो वोल्ट मीटर अभी जो मेजर करेगा, वो ये वैल्यू मेजर करेगा वी ए बी डैश, विच इज इक्वल टू वॉट आई वन इंटू आर। क्यों? तो भाई अभी इसमें से जो करंट जा रहा है वो कौन सा है, आई वन। इसका मतलब हमें मेजर करना था ये, हम लोग मेजर कर रहे हैं ये। जो कि क्या है, गलत है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, कि क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है, लेट अस से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है उसको मैं वी आर बोल देता हूँ या आर वी बोल देते हैं हम लोग इसको। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी ए बी जो है, अगर मुझे ये ओरिजिनल वैल्यू के आसपास चाहिए तो हम लोग आर वी का वैल्यू क्या रखते हैं, बहुत हाई रखते हैं। इसका मतलब क्या, आर वी मस्ट बी वेरी मच ग्रेटर देन वॉट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगर आर वी का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा है, तो मैक्सिमम करंट जो रहेगा, यानी आई में से हम लोग बोलेंगे 99% ऑफ करंट आई विल बी इक्वल टू व्हाट आई वन व्हेन आर वी इज वेरी मच ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे करंट क्या ये करेगा कि बोलेगा कि नहीं, हम लोग वो पार्ट डिसाइड करते हैं, या करंट ऑटोमेटिकली ऐसा फ्लो होगा सर्किट में, इट विल फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर पाथ विच हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये आपको आ रहा है समझ में, ये फर्स्ट थिंग है।
इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी आई का मैक्सिमम पार्ट है वो आर में से फ्लो होगा, यानी 99% ऑफ आई ओके विल फ्लो एज आई वन एंड द रिमेनिंग 1% ऑफ आई विल बी व्हाट आई टू। यानी अभी आप जो मेजर करोगे बी ए बी डैश दैट विल बी व्हाट आई वन इंटू आर विच विल बी इक्वल टू 99% ऑफ आई विच इज नथिंग बट 0.99 टाइम्स आई इंटू आर और यू कैन से इट इज 0.99 टाइम्स ओके ओरिजिनल वोल्टेज वी ए बी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 0.01 का एरर है, यानी 0.01 वी ए बी का एरर है। अब इसको कैसे कम करना है, तो वही तरीका है कि आप आर वी का वैल्यू और बढ़ाओ, आर वी का वैल्यू आपने और बढ़ाया तो ये जो 99% है ना इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 99.99%। तो ऐसे इसमें जो आई टू का वैल्यू रहेगा दैट विल बी जस्ट 0.01% ऑफ आई वन, यानी रियल में कितना रहेगा वैल्यू 0.00 ओके 01 टाइम्स ऑफ आई। अब मैं आपको सिर्फ बोलना ये चाहता हूँ ओके जितना आर वी का वैल्यू ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे उतना आई टू का वैल्यू कम रहेगा, और हम लोग बोलेंगे जितना आई टू का वैल्यू कम रहेगा आई का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट आई वन, एंड इफ आई का वैल्यू विल बी इक्वल टू आई वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई वन वी ए बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी ए बी डैश ओके। और एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है कि अगर मैं बोलता हूँ इफ आर वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई वन एंड वी ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट वी ए बी डैश ओके। हालांकि प्रैक्टिकल कंडीशन में यह पॉसिबल नहीं है, अब जो भी वोल्टेज मेजर करोगे थोड़ा ना थोड़ा तो कम होने ही वाला है ठीक है यस। तो ये था ऑल अबाउट वोल्टमीटर ओके। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर जो होता है, आइडियल वोल्टमीटर मस्ट हैव ओके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ठीक है। क्यों, अगर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहा तो हम लोग बोलते हैं कि जो करंट वो ड्रॉ करता है या जो करंट वो लेता है, लेट अस से वो करंट को हम लोगों ने क्या बोला है I2, दैट I2 बिकम्स इक्वल टू व्हाट जीरो। व्हेन हम लोग बोलेंगे कि जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो ठीक है। वही स्टेटमेंट उन्होंने यहां पे दिया हुआ है, एन आइडियल वोल्टमीटर व्हिच डस नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो दैट इट डस नॉट विथड्रॉ एनी करंट या डस नॉट ड्रॉ एनी करंट ओके। विथड्रॉ नहीं बोलना चाहिए, डस नॉट ड्रॉ एनी करंट ओके। यस, ये समझ में आया आपको। अब हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई डिवाइस बनाना या ऐसा वोल्ट मीटर बनाना क्या है, हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी रेजिस्टेंस हाई करो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ करंट वोल्ट मीटर में से पास होने ही वाला है ओके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली अ वोल्ट मीटर कैनॉट बी डिजाइन टू हैव एन इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस। हाउएवर वोल्ट मीटर नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस ओके विच कैन एक्चुअली मेजर द वोल्टेज विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट ओके। तो ये भी स्टेटमेंट जो है इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने कल देखा था, उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल भी देखा था। बेसिकली हम लोगों ने ये सर्किट देखा था, और ये सर्किट में व्हाट वी सेड इज कि जो वायर ए से लेके बी तक है दैट इज योर लॉन्ग वायर ओके। पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है ओके तो पहले तो मैं उसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ ओके। सी पोटेंशियोमीटर इज अ लॉन्ग वायर विच इज स्ट्रेच्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। स्ट्रेच यानी ऐसा नहीं कि मैंने उसको टेंशन में किया हुआ, उसको हम लोगों ने स्प्रेड किया हुआ ऑन वुडन बोर्ड ठीक है। अब ये जो वायर है ओके इसको हम लोगों ने एक मेन ईएमएफ सोर्स रखा हुआ है ठीक है यस। पोटेंशियल डिवाइडर भी रहता है, कैसे है वो आगे हम लोग देखेंगे जब एप्लीकेशन ये करेंगे ओके। एंड ये अपने आप में जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो तो आपको दिख रहा है कि देयर इज अ लॉन्ग वायर ए से लेके बी तक जिसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल। इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, एन ईएमएफ सोर्स ई बराबर है। तो ये हुआ आपका बेसिक पोटेंशियोमीटर। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो आगे देखने वाले, बट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है ओके। तो हम लोग बोलते हैं इन पोटेंशियोमीटर वी यूज अ वायर विच हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और ऐसे वायर के लिए हम लोग बोलते हैं द फॉल इन पोटेंशियल ओके पर यूनिट लेंथ इट इज व्हाट कांस्टेंट।
फॉल इन पोटेंशियल यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक आप जाओगे तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर। ये भी मैंने कल आपको डिस्कस करके बताया, मैं वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। सो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रहेगा वी ए सी, ओके। और ए और सी के बीच में जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल। हम लोग बोलते हैं द रेशियो वी ए सी अपॉन एल, ओके, यस, इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट। तो अगर मैं ये पॉइंट ए और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट बी लेता हूं मैं, एंड का पॉइंट, ओके, अच्छा, ये जो ए से लेके बी तक है ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इट इज कैपिटल एल। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेसिकली ये है, ओके, कि फॉर अ यूनिफॉर्म वायर विच इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, और ये मैं रिवाइज इसलिए करा के दे रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन जो है इसके थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेते हैं। ओके, दिस इज योर ईएमएफ सोर्स, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं लेट अस से जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, अच्छा ये जो वायर है ना तो हम लोग बोलते हैं इसका लेंथ काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको नंबर ऑफ फोल्ड्स दिए हुए। तो आप पूछोगे लेंथ कितना रहता है इसका, तो 6 to 10 meter रहता है या 8 to 10 meter रहता है डिपेंडिंग, ओके, यस। तो लेट अस से ये ए से लेके बी तक जो वायर है, तो मैं बोलूंगा जो ए बी का लेंथ है टोटल लेंथ, दैट इज वॉट कैपिटल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये भी हम लोगों ने मेजर कर लिया, ओके, यस। अब ए बी का वैल्यू है हमारे पास, वी ए बी का वैल्यू है, ठीक है, यस, yes? हम लोग एक पॉइंट लेते हैं बीच में, एनी रैंडम पॉइंट, लेट अस से इसको मैंने सी बोल दिया, ओके, ए सी जो है, ए सी का लेंथ क्या है, इट इज स्मॉल एल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ओके, दैट विल बी वॉट, वी ए सी। ये भी हम लोग मेजर कर लेंगे, ओके, या मेजर नहीं भी कर रहे हैं तो भी थियोरेटिकली इसको कैसे बताएंगे हम लोग, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट्स दैट वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू वी ए सी अपॉन स्मॉल एल, विच इज नथिंग बट इक्वल टू के, वेर के इज कॉल्ड एज वॉट, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो बढ़ते जाता है। अभी आप मेरे को पूछोगे कि सर ये वी ए बी एंड वी ए सी इसमें कौन सा वैल्यू जाता है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। रीजन क्या है, तुम्हें बोलोगा इसका कारण कुछ इस तरह से, हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज एट लोएस्ट पोटेंशियल, पॉइंट सी जो है वो इन दोनों के बीच में है, ओके, तो मैं बोलूंगा वी ए बी जो है टेक्निकली इट इज इक्वल टू वॉट, वी ए सी प्लस वी सी बी। ये आपको आ रहा है समझ में, इसलिए हम लोग बोलते हैं वी ए बी इज ग्रेटर देन वी ए सी। ऑल्सो द लेंथ ऑफ वायर ए बी एल कैपिटल एल इज ग्रेटर देन वॉट, लेंथ ऑफ वायर, ओके, ए सी, यानी ए बी का जो लेंथ है वो ए सी से ज्यादा है। लेकिन जब मैं ये पैरामीटर्स के रेशियो लूंगा, यानी वी ए बी अपॉन एल, ओके, एंड वी ए सी अपॉन एल, तो फॉर अ प्रॉपर पोटेंशियोमीटर वायर हम लोग ये एक्चुअली देख भी सकते हैं, ओके, या इसका ऑब्जर्वेशन लेके, ओके, ये रीडिंग टैली भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओके, कि वी ए बी अपॉन एल विल बी एक्चुअली इक्वल टू वॉट, वी ए सी अपॉन एल। और सिर्फ एक पॉइंट नहीं, लेट अस से आपने एक और पॉइंट ले लिया, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ओके, एंड ए एक्स का जो वैल्यू है इज इक्वल टू वॉट एल वन, तो आपको यहाँ पे एक और रिजल्ट मिलेगा, दिस के विल बी इक्वल टू वॉट, वी ए एक्स अपॉन एल वन। ऐसे आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एंड द इंटरमीडिएट पॉइंट अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इट इज इक्वल टू वॉट, वी ए बी अपॉन कैपिटल।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स अपॉन द टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो ये हम लोगों ने कल के लेक्चर के एंड में देखा था, ओके, और इसको एक तरह से प्रूव किया था। अभी इसके प्रूफ में तो नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि कल हम लोगों ने ये देखा था। अच्छा, अगर इसकी प्रूफ की बात भी करें हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या किया हुआ है, ईएमएफ का इक्वेशन यूज किया हुआ है। ईएमएफ का इक्वेशन है ना क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सर्किट देखते हो, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये सर्किट है उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट आई है ना, वो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फ्लोइंग थ्रू व्हाट, ए से लेके बी जो वायर है। अब ये जो वायर है इसका लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है। मैं बोलूंगा कि यहां पे बी ए बी का वैल्यू क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर। यानी ये हो जाएगा आई इंटू आर प्लस ये करंट वापस सेल के अंदर से जाएगा, तो इट विल बी आई इंटू स्मॉल आर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल, ओके। देयरफॉर आई कॉमन ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर आई इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन आर प्लस आर। एज्यूमिंग जो हमारी वायर है वो यूनिफॉर्म है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो रहेगा, यानी लेंथ ऑफ वायर अगर कैपिटल एल है जो चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी चेंज नहीं होगा। स्मॉल आर जो है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल, वो भी चेंज नहीं होने वाला। और ईएमएफ ऑफ द सेल दैट विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड या सर्टन साइकिल्स, ओके, ऑफ करंट। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ईएमएफ का वैल्यू 3 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग के कुछ फेज के लिए ईएमएफ का वैल्यू नीचे नहीं जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सेल आप काफी टाइम यूज करने के बाद सेल का जो वोल्टेज रहता है या बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं कि ईएमएफ ई कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, स्मॉल आर कॉन्स्टेंट है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो वॉट कॉन्स्टेंट, एंड व्हेन वैल्यू ऑफ आई इज कॉन्स्टेंट, ओके, तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोग, बी ए बी अपॉन एल विल बी इक्वल टू वॉट, ई इंटू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एल। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो हम लोग बोलते हैं दिस हैज कम फ्रॉम ओम्स लॉ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर, ओके, मैं बोलूंगा वी ए बी अपॉन एल विल बी इक्वल टू आई इंटू आर अपॉन एल, दैट इज आई के जगह पे क्या डालेंगे, ई अपॉन आर प्लस आर बराबर इंटू कैपिटल आर अपॉन एल। टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ई कॉन्स्टेंट है, आर प्लस आर कॉन्स्टेंट है, ये आर कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये तो आपका डेरिवेशन है, वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू वॉट कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज वॉट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ओके, यस। एनीवे ये हम लोगों ने कल देखा था, और हम लोग बोलेंगे कि अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे अभी उन्होंने यहाँ पे वी ए सी दिया, तो वी ए सी निकालते वक्त क्या करना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को, ओके, मल्टीप्लाई करना है विद वॉट, द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। यानी वी ए सी क्या हो जाएगा, इट विल बी के इंटू स्मॉल एल, ओके, और वही उन्होंने दिया है, इफ वी ए सी इज के इंटू स्मॉल एल, तो वी ए बी क्या होगा, इट विल बी कैपिटल के इंटू कैपिटल एल, ओके, या फिर के इंटू कैपिटल एल। यहां तक क्लियर है, ओके, इसमें उन्होंने के निकाल दिया तो वापस प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, वी ए सी इज प्रोपोर्शनल टू एल, दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ओके, टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ओके, बिटवीन देम, प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहा तो हम लोग बोलते हैं उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी थ्रू आउट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट, द करंट थ्रू वायर इज सेम एंड द टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, ओके, स्टेट करते वक्त एक एजम्पशन हम लोगों ने ऐसा लिया है कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या जो भी फिजिकल कंडीशन है, ओके, वो वैरी नहीं हो रहे। यदि वो वैरी होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है डेफिनेटली उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज तो रहेगा, ठीक है, यस। चलो, तो ये जो कल का एंड का पार्ट था मैंने वापस एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, या जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट वन इज व्हाट, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, ये जो डायग्राम है ना बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम मैं वापस यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ।
ओके, तो डायग्राम बनाना कैसे? सबसे पहले आपने, ये आपको मैं बता रहा हूं ध्यान में रखना है, एक सेल लेना है, एक की लेनी है, सेल बोलो या बैटरी बोलो, फिर एक पोटेंशियल डिवाइडर लेना है जिसको आप रियोस्टैट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये रियोस्टैट कैसे दिखाओगे आप? ओके, लाइक दिस, एंड शो दिस इज योर पोटेंशियल डिवाइडर। यहां पे आप कुछ ऐसे टर्न्स दिखा दो वायर के, ठीक है? यस, अब ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डायग्राम मिलेंगे। ओके, यस, कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा कि यहां पे उन्होंने आरएच दिखाया हुआ है, कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसा दिखाया हुआ है, यहाँ पे आरएच कनेक्टेड है, ये जो आरएच है ना वो इधर दिखाया हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता है ये आरएच का पोजीशन इधर हो या इधर हो, ठीक है? यस, फिलहाल जो आरएच है वो हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे लेना है, कुछ बुक्स में उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं पॉइंट ए यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ओके, पॉइंट ए आप इधर लो या इधर लो, ओके, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं यहां से हम लोग, ओके, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस से दिस इज योर पॉइंट बी, यानी एंटायर लेंथ ऑफ वायर मैंने यहां पे दिखा दी। पॉइंट ए से, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग यहां पे एक सेल लेंगे। अब ये जो है ये मेन ईएमएफ सोर्स है कैपिटल ई, ये जो पहला वाला सेल है ना इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर ई वन, ठीक है? यस, और यहां पे एक दूसरा सेल हम लोग ले लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? मेरा डायग्राम टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है? और एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर रखा हुआ, ठीक है? और यहां पे एक की है, ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज आर ई वन एंड दिस इज आर ई टू, ठीक है? यस, अब ये जो की है ना, एक तो हमारा दिस इज के, और यहां पे ये जो की है इनिशियली टैप की टाइप ही है, लेकिन ये जो टैप की है ना, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा ये जो की है ना, ओके, आप ये पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेट अस से ये पॉइंट को मैंने बोल दिया है दिस इज एक्स दिस इज वाई, ठीक है? यस, और ये आपका जेड है, ठीक है? तो इनिशियली आप क्या करोगे, ओके, जो की ए वन है वो एक्स एंड जेड के बीच में कनेक्ट करोगे, ओके, फिर आप बोलोगे सर ई टू का क्या होगा, ई टू का देखेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है? और जो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, ओके, उसके एंड पे जॉकी है, ये जॉकी क्या करोगे ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते जाओगे, ठीक है? अब पहले तो पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो है वो मैं आपको बता देता हूं कैसा है। सी, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है? यस, टेक्स्ट बुक का डायग्राम और मेरा डायग्राम जो है थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम को भी रिफर करो, ये काफी नीड भी है, ठीक है? यस, लेकिन आई होप मेरा वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? यस, अब ये जो एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMF of two cells, तो जो दो सेल्स को, ओके, हमें कंपेयर करना है
उसको हम लोग यहां पे लगाइए, ये आपका जो सर्किट है ना, ये आपका मेन पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और आप ऐसे बोल सकते हो ये एक सेकेंडरी सर्किट है जो पॉइंट ए से हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इनिशियली क्या है, हम लोगों ने ये जो प्लग की है के वो इंसर्ट कर दिया, जैसे इंसर्ट किया तो यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट आए है, ध्यान से सुनना है, हम लोग बोलेंगे वो हो जाएगा यहां से आई डैश और इधर से जो फ्लो होगा दैट विल बी आई वन, बराबर है? ठीक है, अब जब इधर से फ्लो होगा तो आप बोलोगे सर यहां पे वापस वो करंट स्प्लिट नहीं होगा क्या? लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, इसको एम बोल देता हूं। सर पॉइंट एम से आई वन स्प्लिट नहीं होगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा। क्यों? उसका कारण है, अगर आप देखोगे तो ये वाई और जेड जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, यानी ये जो पार्ट है ना सर्किट का वो ओपन सर्किट है, ये नहीं के बराबर है, यानी ई टू का भी कोई रोल ही नहीं है। तो जो भी करंट आई वन रहेगा ओके वो ई वन से इस तरह से फ्लो होके थ्रू गैल्वेनोमीटर ये पॉइंट से वापस आई वन डैश को क्या होगा, यूनाइट होगा। ओके तो ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे ओके आई डैश एंड आई वन, आई वन डैश बोला था मैंने ओके, चलिए तो इसको मैं आई वन डैश बोल देता हूँ। ओके तो यहां पे जो आई है वो अलग हो गया था एस आई वन प्लस आई वन डैश, ये पॉइंट लेट अस से ये जो पॉइंट है उसको मैं पी बोल देता हूँ ओके, या सेल हमारा पहला वाला सेल है तो उसको मैं पी वन बोल देता हूँ। ठीक है, यस, तो ये हम लोगों का क्या रहेगा, एक बेसिक मेंटेलिटी रहेगा ओके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, मैं अलग अलग पॉइंट पे टच करते जाता हूं। जो जॉकी है ना वो जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसको ए से लेके बी तक अलग अलग पॉइंट पे टच करते जाता हूं। किसके लिए, कौन से केस के लिए? जब मैं बोलता हूं कि के वन इज कनेक्टेड, के वन इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें जो मिलता है जिसको मैं फाइनली पी वन बोल देता हूं ओके, वो ऐसा मिलता है कि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, नल डिफ्लेक्शन बताता है। अब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, आई जी विच इज इक्वल टू जीरो। इफ आई जी इज इक्वल टू जीरो, आई जी एक्चुअली है क्या, ये वाला करंट है आई जी, और ये वाला करंट आई जी क्या है आपका, तो मैं बोलूंगा आई जी इज नथिंग बट इक्वल टू आई वन, एंड वेन आई वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने ओके, प्लीज इसको ध्यान से सुनना है। आई वन का वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब जो भी करंट आई फ्लो हो रहा है ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कि आई वन अगर जीरो है तो आई इज कंप्लीटली इक्वल टू वॉट, आई वन डैश। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्यों हो रहा है, बराबर है ओके, क्या सर ऐसा है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट पी ये इक्वी पोटेंशियल है? देखो अगर आई वन का वैल्यू शून्य है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, यस, मैं आपको वापस एक डायग्राम दिखाता हूँ, पिछला वाला डायग्राम, व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जो मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूं ना उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और क्यों है वो आपको अभी आएगा समझ में। Yes. आपको याद है ये डायग्राम, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी बी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, वी डी, व्हेन वी बी बिकम्स इक्वल टू वी डी, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, व्हेन वी बी बिकम्स इक्वल टू वी डी, आई जी का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स जीरो। सही है क्या? नहीं, आपको याद होगा, और जब आईजी का वैल्यू जीरो होता है तब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन निकालते हैं, जहां पे आपको मिलता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एस अपॉन आर, याद है आपको? लेकिन वहां पे आपको क्या मिला था, वी बी इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि यहां पे भी कुछ ऐसा ही है ओके, कहां पे था ओके, एज्यूम करते हैं कि ये ए से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो डायग्राम बनाया हुआ है उस पे जाते हैं, हम लोग बोल रहे हैं सर आई जी इक्वल टू आई वन इक्वल टू जीरो है, यानी आई वन इक्वल टू जीरो है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वी ए एंड वी पी वन बोथ आर इक्वी पोटेंशियल?
सेम जो हम लोगों ने व्हीटस्टोन नेटवर्क का कंसेप्ट देखा था, क्योंकि उसमें वी बी इक्वल टू वी डी था, इसलिए गैलोनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा ऐसा कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बोलूंगा अगर वी ए और वी पी वन इक्वल है तो करंट ऊपर के रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन नीचे के रास्ते से भी नहीं जाएगा, यानी पोटेंशियोमीटर के वायर से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? आई वन डैश जो है, आई वन डैश भी क्या रहेगा? ओके, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आई होप आपको ये लॉजिक आया समझ में। देखो, अगर वी ए इज इक्वल टू वी पी वन, ओके, तो ये दो पॉइंट क्या हो गए? इक्वी पोटेंशियल। तो आप इसको कौन सा भी वायर कनेक्ट करो, तो आपके पास एक कनेक्शन ये ऊपर से जा रहा है इस तरह से, देखो ए से लेके एम, एम से लेके के वन, के वन से लेके जी, जी से लेके पी वन, और एक ये डायरेक्ट कनेक्शन है थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, आप इसको कैसे भी कनेक्ट करो, दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को अगर आपने कनेक्ट किया, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। हाउएवर आई वन का वैल्यू जीरो है, ये ट्रू है, लेकिन आई वन डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और आप बोलोगे सर ये चेक करने के लिए हमारे पास कुछ अपेरेटस या कुछ है क्या? डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सीरीज में क्या कर सकते हैं, एक एमीटर लगा सकते हैं। और ये एमीटर आपको बताएगा कि जो मेन हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, ओके, यस, इधर लगा दीजिए आप एमीटर, या फिर आप उसको इधर भी लगा सकते हो, मिली एमीटर या जो भी एमीटर है, ओके, ये आपको जब तक डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो एक तरह से आपको क्या है? बता रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यस, तो ऐसी जब कंडीशन आती है कि जब हम लोग बोलते हैं कि आई जी का वैल्यू जीरो है, आई जी ने क्या, तो आई जी विच इज इक्वल टू आई वन, इट इज इक्वल टू जीरो, बट आई वन डैश इज नॉन जीरो, तो ये क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली ये तो कारण नहीं है कि वी ए इज इक्वल टू वी पी वन। हाँ, लेकिन एक कारण ये है कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ है, और ये जो सेल है ना वो अपना करंट भेजेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, लेट अस से दैट करंट बी इक्वल टू, इसको आई वन बोला, इसको आई वन डैश बोला है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई ई बोल देते हैं, द करंट विच इज सेंड बाय द ई एम एफ। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ओके, कि सिंस वी ए इज नॉट इक्वल टू वी पी वन, ओके, देयर विल बी डेफिनेटली सम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए पी वन, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए पी वन जो करंट ए से लेके पी तक भेजना चाहता है उसको काउंटर कौन करेगा? ई वन। देखो एकदम सिंपल बात है, ए से लेके पी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या बिटवीन ए एंड पी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो करंट ये डायरेक्शन में भेजना चाहता है फ्रॉम ए टू एम, एम टू एक्स। लेकिन जो हम लोगों ने ई एम एफ लगाया हुआ है, जो सेल लगाया हुआ है ई वन, वो इसको क्या करेगा? काउंटर करेगा। और वो जब उसको काउंटर करेगा, ओके, तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो जब आपको नल पॉइंट मिल रहा है या नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो वी ए पी वन है, ओके, और जो ई वन है, दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो एट पॉइंट ए आई वन का वैल्यू क्या रह जाएगा? ओके, आई वन फ्लो ही नहीं होगा, ऐसा समझ लो आप, जो भी फ्लो होगा वो आई वन डैश होगा, यानी आई विल बी इक्वल टू वॉट आई वन डैश। ये आपको आ रहा है समझ में? तो गैलोनोमीटर में करंट शून्य है, क्यों? तो हम लोग बोलेंगे ये जो बैटरी है ना ईवन हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये ईवन क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जिसकी वजह से ए टू पी ये जो ऊपर का रास्ता है, ओके, कर्सर को देखना, ये जो ऊपर का रास्ता है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी वी ए पी वन इज इक्वल टू वॉट ईवन। कैन वी से ईवन इज इक्वल टू वॉट बी ए पी वन? ओके, यहां तक क्लियर है? एंड अभी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या था? ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप है बिटवीन टू पॉइंट्स इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टू द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको मैं बोल देता हूं एल ए पी वन। लेकिन ये जो एल ए पी वन है ना, इसको हम लोग सिंपली ऐसे बोलेंगे K into L1 बोल देंगे, यानी आपको जो पहली लेंथ मिल रही है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, जो हमारा की का कनेक्शन ये ऐसा टैप है, ये आपका पॉइंट Z है, ये आपने पहले X को कनेक्ट किया था, अब वो निकाल के आप Y को कनेक्ट करोगे, समझ में आ रहा है? इस तरह से ये की है, तो पहले आपने Z के ऊपर ये पिवोटेड है,
पहले आपने इसको एक्स को कनेक्ट किया था, अब आप वो निकाल रहे हो और अभी आप क्या कर रहे हो, उसको वाई पे कनेक्ट कर रहे हो। तो जब मैं उसको वाई पे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं उसको वाई पे कनेक्ट करता हूं ना, ओके, मैं बोलूंगा कि हमारा अभी जो ई टू है वो एक्टिव हो गया और ई वन जो है तो वो ओपन सर्किट में लगा हुआ है, यानी अभी ये जो ऊपर का जो है ना आपको दिख रहा है ब्रिज टाइप, उसमें से जीरो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट पी वन पे ही उसको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा? नहीं। जैसे आप ये जो की का पोजिशन है वो चेंज करते हो, जब आप उसको जेड टू वाई लगाते हो, ठीक है, ऐसे केस में गैलोनोमीटर क्या करता है, वापस डिफ्लेक्शन दिखाना चालू करता है, ओके, क्यों वो बाद में देखेंगे हम लोग, ओके। उसका मतलब क्या है, अगर वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब E1 इज नॉट इक्वल टू E2, और E1 अगर नॉट इक्वल टू E2 है इसका मतलब E2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस सेम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर करना पड़ेगा और वापस नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ओके, कि यहां पे हम लोगों ने जो जॉकी अभी उसको अलग अलग पॉइंट पे टच किया वापस, ओके, अब मैं क्या करता हूं ना, अलग कलर यूज करता हूं, ठीक है, और जब मैं दूसरा वाला पोजीशन बताऊंगा, यानी सेल E2 के लिए, ओके, मैं जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, मैंने जब उसको टच किया, लेट अस से दैट पॉइंट इज व्हाट P2, तो वो जो है मैं वो रेड इससे दिखा रहा हूं, ओके, यस, तो ये जो P2 है आपका वो आपको क्या दे रहा है, नल पॉइंट दे रहा है फॉर सेल E2। इसका मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी टू जो है पी ए पी टू, नाउ इट इज काउंटेड बाय व्हाट ई टू। देखो सेम है लॉजिक, ई वन एंड ई टू जो है, पहले आपने ई वन कनेक्ट किया था, ई टू को डिसकनेक्टेड रखा था, अब आपने क्या किया है, ई टू डिसकनेक्ट कर दिया है एंड सॉरी, अब आपने ई वन डिसकनेक्ट कर दिया एंड ई टू को कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वी ए पी टू इज बैलेंस्ड बाय वॉट ई टू, यानी अभी जो करंट फ्लो होने वाला है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो उसको काउंटर कौन करेगा, ये जो ई एम एफ है ऐसे समझ लो ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे अगेन जो आई जी का वैल्यू है, ओके, कहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, यस दिस वन, आई जी का वैल्यू विच इज इक्वल टू आई वन विल बी इक्वल टू वॉट जी का। अब इफ वी ए पी टू इज इक्वल टू ई टू, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, ओके, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, E2 will be equal to what? VA P2, which is equal to K times LA P2, which is equal to K times L2. ये आपको आ रहा है समझ में? Okay. Let us say this is your equation 1 and this is your equation 2. Equation 1 divided by equation 2, आपको क्या मिलेगा? E1 upon E2 will be equal to what? K times L1 upon k times l2, यानी k k कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा e1 upon e2 is equal to l1 upon l2, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कंपैरिजन का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर emf कैसे मेजर करेंगे हम, एकदम सिंपल है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि अभी मुझे e2 का वैल्यू निकालना है, तो e2 का वैल्यू क्या है, e2 का वैल्यू इज इक्वल टू k टाइम्स l2। अभी ये थोड़ी देर पहले जब हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर ईएमएफ आल्सो, तो हम यहाँ पे ईएमएफ डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, कैसे, तो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू है, के का वैल्यू, आपके पास एल टू का वैल्यू है, ई टू विल बी इक्वल टू वॉट, के टाइम्स एल टू, एंड ई वन विल बी इक्वल टू वॉट, ओके, के टाइम्स एल वन। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ कंपेरिजन करना है, दो सेल जो है रैंडमली कौन से भी दो सेल ले लिया आपने और आपको ये देखना है कि वो जो सेल है दोनों का जो ईएमएफ है वो इक्वल है या उसका रेशो क्या है, तब हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। अभी आप पूछोगे सर अगर मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल का अगर मुझे उसका ईएमएफ मेजर करना रहता तो क्या करते हम लोग, तो इतना हम लोग खिचड़ी करते ही नहीं, मैं ये सब निकाल देता लाइक दिस, ये पूरा सब निकाल देता, और ऐसे केस में मैं क्या करता, ओके, आई वुड हैव सिंपली कनेक्टेड अ वायर टू गैल्वेनोमीटर एंड 1.2 जॉकी, ये हमारा सिंपल ये रहता, दिस इज जस्ट टू मेजर व्हाट ईएमएफ। लेकिन कंपैरिजन के लिए हमको क्या चाहिए, कंपैरिजन का अगर ये डायग्राम है तो हमें हमारा पुराना जो सर्किट है
उसको रिफर करना पड़ेगा। ठीक है, यस आई होप आपको ये क्लियर है। आपके टेक्सट बुक में भी ये दिया हुआ है। ओके यस, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, मेथड वन, द पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई विद अ की के एंड अ रियोस्टैट, ओके, सच दैट पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट बी। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए कि आप जो ईएमएफ लगाओगे वो इस तरह से लगाना है कि पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को लगाए। देखो हमारा जो मेन सोर्स है ना ईएमएफ का वो ये है, ई1 ई2 दे आर नॉट सोर्स ऑफ ईएमएफ। ई1 ई2 क्या है, तो इनको हमें इनका ईएमएफ मेजर करना है या इनको कंपेयर करना है ई1 अपॉन ई2। जो मेन सोर्स ऑफ ईएमएफ है, डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखना है आपको कि जो आपका मेन ई है उसका वैल्यू ई1 एंड ई2 दोनों से ज्यादा ही होगा और होना ही चाहिए। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस, ये जो ई है उसका पॉजिटिव पॉइंट ए पे है और उसका जो नेगेटिव है थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर, ओके, इट इज एट पॉइंट बी। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या है, तो जो ये मेन सर्किट है उसमें हम लोग कितना करंट फ्लो करना चाहिए, ओके, बहुत ज्यादा करंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं। ठीक है, द सेल्स हुज ई एम एफ आर टू बी कंपेयर्ड आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल्स एट पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल्स टू द एक्सट्रीम टर्मिनल्स ऑफ अ टू वे की K1, K1, K2, ओके? इसको इन्होंने यहाँ पे टू वे की बोला हुआ है, K1, K2, ओके? डायग्राम को एक बार वापस अच्छे से देख लो। हम लोगों ने ये कनेक्शंस को क्या क्या बोला हुआ था, ओके? हम लोगों ने इसको नाम दिया था XZ एंड YZ। आप इसको K1, K2 भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे भी करेक्शन कर लेता हूँ, ये दिस इज दिस की ये कॉम्बिनेशन है तो उसको K1 बोलेंगे, इसको K2 बोलेंगे। ठीक है, सेल 1 के लिए K1, सेल 2 के लिए सेम कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे K2। ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगाते, आइदर K1 रहेगा या K2 रहेगा। ठीक है, नाउ द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ द टू वे की इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी जे। सेंट्रल टर्मिनल यानी क्या, तो ये वाला टर्मिनल पॉइंट जेड, ये क्लियर है? ओके, When the key K is closed, K1 is closed and K2 is kept open. K1 is closed है ना क्या, तो आपका EMF E1 चलते रहेगा और E2 जो रहेगा तो वो ओपन सर्किट में रहेगा। ठीक है, यस, ऐसे केस में डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, ओके, जो आपको कंडीशन मिलेगा ये आप लोगों ने थोड़ा पढ़ लेना है, E1 will be equal to what? K times L1. ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, E1 will be equal to K times L1. ठीक है, यस, एंड सिमिलरली हम लोग बोलते हैं नाउ की K1 इज केप्ट ओपन एंड की K2 इज क्लोज्ड, द सेल ऑफ EMF E2 नाउ कम्स इन सर्किट, अगेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड, लेट L2 बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड द पॉइंट ए, दिस लेंथ करस्पॉन्ड्स टू EMF E2 ऑफ द सेल विच इज नथिंग बट E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस वी गेट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम लोग बोलते हैं इस तरह से वी कैन एक्चुअली कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय अनदर मेथड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये मेथड क्या है, तो इसमें आप पहले ये डायग्राम देखिए, ओके, सी, ये हुआ व्हेन द टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट पॉजिटिव नेगेटिव फॉलोड बाय अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेल है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, यानी दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रहेगा वो एडअप हो जाएगा, और दोनों का जब इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप होगा, ओके, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, जो नेट ईएमएफ रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2, ओके, यस। अभी सपोज अगर मैं ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यानी अगर आप देख पा रहे हो तो E2 को हम लोगों ने क्या किया है, रिवर्स कर दिए। अगर मैंने E2 को रिवर्स कर दिया, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यस, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ओके, दिस विल बी व्हाट, E1 माइनस E2, इवन दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, मैं आपको जब एग्जैक्टली हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो इसको मैं वापस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है,
सबसे पहले इसका जो सर्किट डायग्राम है वो देख लेते हैं। अब ये वाला सर्किट डायग्राम है ना, ये उन्होंने उल्टा दिया हुआ है, उनको एक्चुअली स्पेस मैनेज करना था। ठीक है, मैं आपको इसको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। जो हमारा पिछला डायग्राम है ना, उसके जैसे ही हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो एकदम सिंपल है ये भी। ये हमारा सेल ले लेते हैं। टेक्सटबुक में जो डायग्राम है ना, उन्होंने क्या किया है कि जैसे ये पेन ऐसा है ना, तो इसको ऐसे बनाने की जगह पे उल्टा बनाया हुआ है, दैट्स इट। लेकिन मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दूंगा जो आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेगा। ठीक है, यस, दोनों ही डायग्राम सही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर है। ओके, फिर ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, दो ही टर्न्स दिखाए मैंने। लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ मैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ करना है यूजिंग, पहले इसमें भी ई1 एंड ई2 था, यहाँ पे भी ई1 एंड ई2 ही रहने वाला है, लेकिन अभी यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड है। इसका मतलब क्या, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है। ओके, हम लोग यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी सर्किट है नीचे पोटेंशियोमीटर वायर का। ओके, मैं एक एक्स्ट्रा एक सर्किट यहाँ पे बनाऊंगा, सेकेंडरी सर्किट, लाइक दिस। सेकेंडरी सर्किट है ना, मैं ऐसा बोलूंगा कि एक और एडिशनल सर्किट ऊपर हम लोग बना रहे हैं, या एक एडिशनल वायर ले रहे हैं ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग क्या करेंगे ना, ई1 इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी अरेंजमेंट ऑफ सम कीज व्हिच इज शोन लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर दिखा देंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, लाइक दिस। गैल्वेनोमीटर का एक जो पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड टू जॉकी, और ये जो जॉकी जे है वो हम लोग ए एंड बी के बीच में अलग अलग पॉइंट्स पे टच करने वाले। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, तो पहली बात तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। दिस इज 1, ओके, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, उन्होंने उसको की K1 K2 ऐसा बोला हुआ है। ओके, मैं थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज करूंगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है ना, लॉजिकली जाना है। ठीक है, देखिए इसके आगे का जो भी कुछ रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, अभी ये जो जॉकी है कहाँ पे टच होने वाली है वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड में मुझे पहले ये बताना है कि जो दो सेल्स हैं हमारे जिनको कंपेयर करना है, एक तो डायरेक्ट मेथड था ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू एल1 अपॉन ई2। सबसे पहले हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, सम। सम का मतलब क्या कि जो ई1 और ई2 है, ठीक है, ई1 का पॉजिटिव ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, फॉलोड बाय ई1 का नेगेटिव इन सीरीज विथ ई2 का पॉजिटिव एंड ई2 का नेगेटिव। इसका मतलब अगर ई1 के नेगेटिव के बाद ई2 का पॉजिटिव पहले आता है, तो ये जो दोनों ईएमएफ हैं एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये सम हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा, ई1 प्लस ई2। ओके, अब ई2 कैसे दिखाना है तो ये आपके ऊपर है। तो E2 दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एकदम सिंपल मेथड है। देखो ये 2 एंड 4 को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक जंप दिखाया मैं, और वो जंप को मैं सेल के नेगेटिव को कनेक्ट करने वाला हूँ। दिस इज योर E2, और जो सेल का पॉजिटिव है, ओके, दैट विल बी कनेक्टेड टू पॉइंट फोर। ये कनेक्शन समझो आपको 2 से लेके 4 तक। अभी ये मैंने जंप क्यों दिखाया, तो ये जंप क्या इंडिकेट करता है कि जो गैल्वेनोमीटर की वायर है
और टू से लेके फोर तक जो वायर है ना वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं, ओके, ऐसी वायर है और एक लूप है, तो यानी जो भी करंट दोनों के बीच में रहेगा है, ओके, वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए था, ओके, ये 11th में भी आपको सिखाया होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं जंप। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द कॉपर वायर दे आर नॉट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये क्लियर है? तो हम लोगों ने टू एंड फोर को इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ओके, टेक्सट बुक में जो भी दिया हुआ है, टेक्सट बुक के बाद पे नहीं जाएंगे, ओके, क्योंकि टेक्सट बुक में उन्होंने कैसा मेंशन किया हुआ है ना, ओके, नाउ द की के वन एंड के थ्री आर केप्ट ओपन, या फिर ओके, ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, व्हेन द कीज के वन एंड के थ्री आर क्लोज्ड, ओके, के वन एंड के थ्री जो है, तो डायग्राम में उन्होंने कोई कीज मेंशन ही नहीं किए हुए, ओके, तो कीज बोलने की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यस, लेट अस से व्हेन वी कनेक्ट 1 to 4, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, दिस कॉम्बिनेशन बिकम K14, यानी एक की जो वन और फोर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और जो अगली वाली की है, तो मैं उसको यहां पे इस तरह से दिखा देता हूं, इरेज करेंगे हम लोग, अगली वाली की जो है वो टू एंड थ्री को कनेक्ट करेगी, उसको मैं बोल देता हूं की या K23, यानी यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग अ की, आई एम गोइंग टू यूज टू कीज, पहली वाली जो की है दैट विल कनेक्ट व्हाट, ओके, तो 0.1 एंड 0.4, एंड दूसरी वाली जो है वो 0.2 एंड 0.3 को कनेक्ट करेगी। अब ऐसे इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो ये आपका E1 है, E1 का जो नेगेटिव है दैट नेगेटिव इज कनेक्टेड टू 1, 1 इज कनेक्टेड टू 4 एंड इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, पॉजिटिव। जो जब E1 का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू E2 का पॉजिटिव, यानी हमें क्या मिल रहा है, सम वाला मेथड मिल रहा है, यानी ये एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। फिर इसका जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड टू, ओके, 0.2, 0.2 इज कनेक्टेड टू 3, 3 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, जॉकी को हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। जब उसको मैं अलग अलग पॉइंट पे टच करता हूं, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से मैं उसको बोल देता हूं P1, एक पर्टिकुलर पॉइंट P1 पे, ओके, ए से लेके बी तक मैं रैंडमली टच करते जाता हूँ, मैं ए से चालू करता हूँ, टच करते जाता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, ओके, नल डिफ्लेक्शन दिखाता है, यानी आईजी का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा PA, या फिर इसको मैं बोलूंगा पॉइंट P1, और ए एंड P1 के बीच में जो वोल्टेज रहेगा दैट विल बी VA P1, विच इज बैलेंस्ड बाय वॉट, E1 plus E2, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, एंड व्हेन इट इज बैलेंस्ड बाय E1 plus E2, मैं बोलूंगा E1 plus E2 विच इज इक्वल टू VA P1, बट VA P1 इज इक्वल टू वॉट, K times LA P1, ओके, अब LA P1 बोलने की जगह पे आपने सिंपली उसको L1 भी बोला तो भी चलेगा, ओके, पहली वाली लेंथ जो मिली है, पहली वाली लेंथ किसके लिए मिली आपको, E1 plus E2 के लिए, ओके, तो यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं E1 plus E2 इज इक्वल टू K times L1। अब L1 यानी स्पेसिफिकली, ओके, EMF 1 के लिए ऐसा नहीं है, वो पिछले वाले मेथड में था, डायरेक्ट मेथड में, ओके, लेट अस सी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये डायग्राम समझा है, ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने कोई कनेक्शन या कुछ दिया हुआ नहीं है, सिंपली ऐसे 4 डॉट्स दिए हुए, ठीक है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप ये डायरेक्ट फॉलो करो जो मेरा डायग्राम है, ठीक है। अब आपने बोला सर सम मेथड तो मिल गया हमें E1 plus E2, अब E1 minus E2 कैसे निकाले, तो E1 minus E2 निकालने के पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे हम लोगों का एजम्पशन ऐसा है कि जो मेन सोर्स है आपका E, उसका वैल्यू इज ग्रेटर देन E1 एंड E1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन E2, यानी E1 का वैल्यू क्या है हम लोग बोलेंगे इट इज ग्रेटर देन E2, और अभी हमें क्या चाहिए, E1 minus E2 चाहिए, E1 minus E2 के कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहेगा, ये हुआ आपका E1, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो E1 का नेगेटिव है, व्हेन E1 का नेगेटिव वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ E2, ओके, ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे थे,
लेकिन अगर मैं ई टू को ओके इस तरह से स्विच कर देता, उल्टा कर देता हूं, ओके यस, तो उल्टा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज गोइंग टू बी ई टू, दिस इज माइनस एंड दिस इज व्हाट प्लस, ओके। ये वाला जो कनेक्शन रहेगा ना, यहां पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ना, ओके एक दूसरे को अपोज करेंगे। देखो एकदम सिंपल बात है, पहला वाला जो केस है ना उसमें E1 करंट ऐसा भेजेगा, E2 भी करंट ऐसा भेजेगा, दोनों के करंट क्या है सेम डायरेक्शन में, वो एडअप हो जाएंगे। यहां पे E1 ऐसा भेजेगा, E2 ऐसे भेजेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली योर E1 माइनस E2। लेकिन ये E1 माइनस E2 यहां पर कैसे दिखाएंगे, तो यहां पर दिखाने के लिए सबसे पहले जो पहले के कॉम्बिनेशन है ना उसको मैं इरेज कर देता हूं, जो 1 और 4 कनेक्ट किया था एंड 2 और 3 जो कनेक्ट किया था उसको मैं इरेज कर देता हूं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है यस। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैं ना अलग कलर यूज करता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, E1 एंड E2 एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अपोज करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मुझे E1 के नेगेटिव को E2 के नेगेटिव को कनेक्ट करना है। यदि मैं 1 और 4 जोड़ता हूं तो E1 का जो नेगेटिव है वो E2 के पॉजिटिव को कनेक्ट होता है, ओके जो कि लॉजिकल नहीं है। अभी मुझे E1 माइनस E2 चाहिए, तो मुझे E1 का नेगेटिव कनेक्ट करना है, इसलिए मैं 1 और 2 को कनेक्ट करता हूं। जब मैं 1 और 2 को कनेक्ट करता हूं तो देखो इसका नेगेटिव 1 को कनेक्टेड है, फिर 2 को कनेक्टेड है, ये 2 कहां पे जा रहा है, ये E2 के नेगेटिव पे जा रहा है, आ रहा है आपको समझ में। और फिर हम लोग बोलेंगे जो E2 का पॉजिटिव है दैट विल बी कनेक्टेड टू 4, 4 विल बी कनेक्टेड टू, इस तरह से। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर सेम पॉइंट के लिए दिखाएगा क्या, नल डिफ्लेक्शन नहीं, ओके तो यहां पे मैं डॉटेड लाइन से सेकंड वाली पोजीशन दिखा देता हूं। अब जो आपका पॉइंट आएगा ना वो थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, यानी पॉइंट ए के और पास आएगा, क्यों, तो अभी आपका जो EMF है वो कम हो गया है। बोलने का मतलब क्या है, Now the E1 minus E2 will balance potential difference, जिसका value क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए पहले जो VA P1 था अभी VA P2 हो गया, which is nothing but equal to what, K times L2. This is your equation number second. Now dividing first by second you will get E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to what, okay, is going to be L1 अपॉन L2, K कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप बोलोगे सर अभी भी कंपैरिजन नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल है। पहली बात आपको ना बेसिक फॉर्म क्या निकालना है ना, E1 अपॉन E2, ये निकालने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। 10th स्टैंडर्ड के एलजेब्रा में, 10th या 9th स्टैंडर्ड के एलजेब्रा में देयर वाज अ टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, and that property was if a upon b is equal to c upon d, then by componendo dividendo a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equal to numerator plus denominator upon numerator minus denominator, both on LHS as well as on RHS. जो LHS पे आप कर रहे हो वही RHS पे भी करना है। इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। अगर आपको याद होगा तो एक था कॉम्पोनेंटो, एक था डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो, ये सब प्रॉपर्टीज है। उसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो मैं बोलूंगा बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मराठी मीडियम में उसको क्या बोलते थे, तो सही बोलो तो मुझे याद नहीं, ठीक है यस yes? आप लोगों ने क्या करना है, ओके okay? अगर आप ऐसे किसको पता है तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो कि सर ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को हम लोग ये बोलते हैं। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके यहाँ पे तो मेन हमें फिजिक्स का पार्ट देखना है, लेकिन फिर भी ओके कुछ बच्चों को अगर नहीं ध्यान में आ रहा होगा उसके लिए क्या शब्द रहेगा वो भी मैं चाहिए तो मैं ढूंढ के आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। एनी वे बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो विल से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या, तो अभी आपका न्यूमरेटर है E1 प्लस E2 माइनस डिनोमिनेटर,
हो गया माइनस ई वन, एंड माइनस ऑफ माइनस ई टू हो जाएगा प्लस ई टू, विल बी इक्वल टू वॉट एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। अब इसमें मैं बोलूंगा जो अपोजिट टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ई टू एंड माइनस ई टू कैंसिल हो गया, और इधर इवन एंड प्लस माइनस इवन एंड प्लस इवन कैंसिल हो गया, तो इवन प्लस इवन क्या हो गया ट्वाइस इवन, एंड ई टू प्लस ई टू क्या हो गया ट्वाइस ई टू, दैट विल बी इक्वल टू वॉट एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू, एंड ऐसे ये टू कैंसिल हो जाएगा, आपको एक रिलेशन मिलेगा इवन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, यही आपका कौन सा मेथड है, दिस इज योर EMF comparison using sum and difference method. ठीक है, yes. Thus the EMF of the two cells can be compared. ठीक है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्सटबुक की कुछ जो लैंग्वेज है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि when the keys K1 and K3 are closed, इसमें K1 कहाँ पे है, K3 कहाँ पे है, डायग्राम में उन्होंने प्रॉपरली दिखाया नहीं है, तो आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो इसको, एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो when the slot 1 and 2 are connected and 3 are 3 and 4 are connected, ऐसे इसमें आपको E1 minus E2 मिलेगा, and when the slots 1 and 4 are connected and 2 and 3 are connected, ऐसे इसमें आपको मिलेगा E1 plus E2। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद we'll go to the next concept, which is next concept यानी क्या है, एक application ही है to find the internal resistance of a cell। okay, अब internal resistance of the cell कैसे निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका भी diagram जो है that is quite similar। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है, ओके, वो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये हम लोगों का सेल है, ओके, मेन सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, ओके, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर नहीं करना है, ओके, एक दूसरा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं दिखाया तो भी चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपने की यूज किया है उसको के वन बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, यस, फिर यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिवाइडर या फिर आप इसको रियोस्टैट बोल सकते हैं। ओके, यस, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है लाइक दिस, तो हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू, ओके, ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का बेसिकली काम क्या है, तो जो ईएमएफ मेन करंट आई सेंड करने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी कैन कंट्रोल इट यूजिंग व्हाट, पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी करते हो तो आई का भी वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, एनीवे ये आपका पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंडरी सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, चाहिए तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वो आपका पॉइंट है, दिस योर पॉइंट बी। ओके, अब जो सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ओके, लेट अस से दैट सेल इज इवन। ठीक है, तो ये सेल का ईएमएफ अगर आपको मेजर करना है तो आपको ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे दिखाएंगे हम लोग, लाइक दिस, विच इज स्मॉल आर। ओके, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक और की लेंगे, यानी इसको ही पैरेलल में, यानी इवन को पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर सेल इवन। ओके, यस, ये जो सेल इवन है, ओके, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो उसको ही पैरेलल में मैंने एक की के टू कनेक्ट की है, एंड के टू से हम लोगों ने एक कनेक्शन लिया हुआ है टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेल E1 है इज कनेक्टेड टू व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज नहीं है। ओके, यस, तो लेट अस से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं एक्स बोल देता हूँ, ये पॉइंट जो है ये आपका वाई है। ठीक है, पॉइंट वाई का जो एक एंड है
वो गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड, और गैल्वेनोमीटर का एक जो एंड है वो हम लोग बोलेंगे जॉकी को कनेक्टेड, ज्यादा क्लियर है? ठीक है, यस, लेट अस से दिस इज जॉकी जे। अब पहली बात आपको ये समझना है कि इनिशियली हम लोग क्या करेंगे ना, ओके यस, स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। पहले तो ये डायग्राम एक बार कंपेयर करके देखेंगे, ओके okay? ये इस तरह से कि आपका ये ई1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये की के2 है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। एंड बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का एक एंड हम लोगों ने पॉइंट क्यू पे लिया हुआ है, ये पॉइंट क्यू जो है उसको मैंने वाई बोला हुआ है यहाँ, ओके यस, और पॉइंट पी को मैंने एक्स बोला हुआ है, ठीक है यस। एनीवे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब मैं K2 को सपोज जो प्लग की है उसको ओपन रखता हूँ, ओके सपोज अगर मैंने K2 को ओपन रखा, तो K2 को ओपन रखा तो क्या होगा, ये जो नीचे का पूरा जो है ना, ओके वो एक तरह से डेड ही रहेगा। डेड यानी क्या, उसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर K2 में मैंने, ओके K2 इज व्हाट बेसिकली अ प्लग की, मैंने अगर प्लग इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो उसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो अगर मैंने K2 को ओपन करके रखा हुआ है तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, ये आपको आ रहा है समझ में? यानी ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर नॉर्मल ओके सेटिंग टू मेजर ईवन। एकदम पहला वाला जो था ना अपना, ओके ईवन एंड ई टू हम लोगों ने पैरेलल में लगाया था, डायरेक्ट मेथड ईवन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ईवन है उसकी की क्लोज करते हैं और ई टू की ओपन करते हैं। तो ईवन की जब की क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जॉकी है ये अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं, और जब मैं इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करता हूं, ओके तो लेट अस से कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे नल पॉइंट मिल रहा है, ओके लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज पी वन। अब यहां पे नल पॉइंट मिल रहा है और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो जो वी ए पी वन है उसको काउंटर कौन कर रहा है, इवन कर रहा है। याद है आपको, ये सेम लॉजिक हम लोगों ने ओके पिछले दो डेरिवेशन में भी लगाया हुआ है, ओके ये जो आपका सेल ईएमएफ जो इवन है ना, ओके तो भी थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, मैं ये जो आपका सेल है इवन, ये ईवन क्या करेगा, ये वी ए पी वन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, यानी आई जी का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल रिमेन जीरो। तो वी ए पी वन इज इक्वल टू वॉट ईवन, विच इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट के टाइम्स, ओके कैन आई से नाउ वी ए पी वन जो है इसका एक और वैल्यू है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन टू द लेंथ ऑफ वायर एल ए पी वन, लेकिन एल ए पी वन को क्या बोलूंगा मैं, एल वन बोलूंगा। तो कहना इसे इवन विच इज इक्वल टू वी ए पी वन इज नथिंग बट के टाइम्स एल वन। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट में आप लोगों ने क्या मेजर किया है, ओके ये अरेंजमेंट में आप लोगों ने बेसिकली ई एम एफ ऑफ द सेल मेजर किया है। अभी आप बोलोगे सर आपका डायग्राम अलग है, डायग्राम अलग नहीं है, मैंने सिंपली क्या किया है, जो नीचे का जो पार्ट था उसको मैंने थोड़ा इरेज किया है, ओके ताकि आपको ये इजिली समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे का भी पार्ट दिखा देता हूं मैं, एग्जाम में आपने एक ही डायग्राम बनाना है, ठीक है यस। और यहां पे मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि जो K2 है वो मैंने प्लग कर दिया, जब मैं K2 को प्लग कर देता हूं तो हम लोग बोलेंगे जो भी करंट रहेगा, ओके यस, वो जंक्शन X पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर यहां से इमेजिन करते हम लोग, यहां से अगर करंट I आ रहा है, या इसको मैं I1 बोल देता हूं, यहां से करंट अगर I1 आ रहा है तो I1 को अभी डायरेक्टली E1 अपोज नहीं कर सकता है। क्यों, तो अभी हम लोग बोल रहे K2 भी क्या है, क्लोज्ड है, उसकी वजह से I1 क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ओके I1 का एक पार्ट ऐसा फ्लो होगा और एक पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस में से जाएगा, ओके तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ओके जो आपका पॉइंट P1 है वो अभी आपका नल पॉइंट नहीं है, ओके यस, तो जब हम लोग K2 क्लोज कर देते हैं, ओके तब फिर क्या करते हैं हम लोग, वापस जॉकी जो है ना वो अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं। लेट अस से मैंने जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच किया और मुझे एक पॉइंट मिला P2। अब ये जो पॉइंट रहने वाला है ना,
ये पॉइंट पी टू पे मुझे गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, ओके इट इज शोइंग मी व्हाट, नल डिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना है, पहले वाले केस में के टू जो था वो प्लग नहीं किया था, जब वो प्लग नहीं किया था तो मुझे नल पॉइंट पी वन पे मिला था, यानी मैंने यहां पे क्या लिखा था, वी ए पी वन इज इक्वल टू व्हाट, ई वन। लेकिन जब मैंने के टू को प्लग किया है तो मुझे नल पॉइंट अभी पी टू पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूंगा, जो वी ए पी टू है उसको डायरेक्टली ईवन काउंटर नहीं कर रहा है, तो उसको कौन काउंटर कर रहा है, ये जो दो पॉइंट है एक्स एंड वाई, इनके बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ओके ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जो पॉइंट एक्स एंड वाई है, पॉइंट एक्स इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट वाई इज एट लोअर पोटेंशियल। क्यों? तो कॉमन सेंस है, पॉइंट एक्स का जो पॉइंट एक्स जो है वो ईवन के पॉजिटिव को कनेक्टेड है एंड पॉइंट वाई जो है वो ईवन के नेगेटिव को कनेक्टेड है। फिर आप बोलोगे सर क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते वी एक्स वाई इज एक्चुअली इक्वल टू ईवन, हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? मैं बोलता हूं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ओके ये रिलेशन कभी भी वैलिड नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं ई एम एफ ई इज वॉट, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी एक्स वाई प्लस वोल्टेज, ओके फॉर ओवरकमिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी हम लोग बोलते हैं ई इज इक्वल टू वॉट वी एक्स वाई, यानी क्या है, तो इट विल बी आई इंटू आर एंड वी आर विल बी वॉट आई इंटू स्मॉल आर। मेरा बोलने का मतलब ये है आपका जो ई एम एफ है दैट इज आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अभी VXY, ओके अब आप देखो VXY जो है वो अगर उसके बीच में देखोगे तो रेजिस्टेंस R भी कनेक्टेड है। जब रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है तो मैं बोलूंगा कैन आई से उसमें से जो करंट जा रहा है, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूं कि विल कॉल इट एज स्मॉल I, दैट विल बी व्हाट I इनटू R, या फिलहाल उसको मैं सिंपली I बोल देता हूं, ओके आई इंटू आर। डेफिनेटली ये जो करंट रहने वाला है और जो मेन करंट आया है वो अलग है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट आई इंटू आर एंड ईएमएफ इज व्हाट आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर। हमारा जो वीएक्सवाई इट इज व्हाट, इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। फिलहाल वापस पहले वाले कंसेप्ट पे जाते हैं, जो आपका नल पॉइंट है वो पॉइंट पी टू पे मिला हुआ है, यानी वी ए पी टू इज इक्वल टू व्हाट वीएक्सवाई। सो कैन आई से वीएक्सवाई ओके इज नथिंग बट इक्वल टू वी ए पी टू विच इज नथिंग बट के टाइम्स एल टू। सो अगर इन दोनों का रेशियो लूंगा मैं ईवन अपॉन ओके वी एक्स वाई विल बी इक्वल टू वॉट के एल वन अपॉन के एल टू, यानी हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू। अब बात आती है ई एम एफ ई की, ओके तो अभी इसे वी ए सर्किट को आप लोगों ने कंसिडर करना है, यानी ई एम एफ ईवन की बात आ रही है तो आपने अभी सिर्फ वीए सर्किट को कंसीडर करना है ऊपर के। उसको मैं क्या करता हूं ना, एक अलग कलर से बना देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहता हूं अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है। ये आपका सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में ओके आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है, और यहां पे चाहिए तो एक ये की दिखा दो, ए टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और ये आपका पॉइंट वाई है। लेट अस से जो ईवन है, अभी मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर सर्किट को क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसको साइड में बना दिया, ओके। लेट अस से द करंट विच इज फ्लोइंग इज स्मॉल आई, ओके। अब ये मैंने इन जनरल इक्वेशन बनाए, मैं देखो मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये जो करंट आई है और यहां पे जो मैंने ये लिखा है ई इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये दोनों आई क्या है, अलग है, इसलिए अभी मैं ये आई के जगह पे क्या करता हूं ना, स्मॉल आई यूज कर देता हूं। मैं बोलूंगा ईवन विल बी इक्वल टू व्हाट ईएमएफ ऑफ द सेल
इज लेट अस से ये जो सर्किट है इसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है. ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बेसिकली व्हाट वर्क डन टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओके या वर्क डन इन सर्कुलेटिंग चार्ज टू ओवरकम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस. यानी हम लोग बोलेंगे ईवन विल बी इक्वल टू व्हाट स्मॉल आई इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. एंड जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यानी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर जिसको मैं बोल देता हूँ वी एक्स वाई दैट विल बी आई इंटू व्हाट कैपिटल आर. तो कैन आई से इवन अपॉन वी एक्स वाई जब मैं बोलता हूँ ये जो स्मॉल आई है वो कैंसिल हो जाएगा आपको क्या मिलेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विच इज नथिंग बट इक्वल टू यू कैन से वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. ओके यस. तो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन थ्री और ये होगा आपका इक्वेशन फोर. ओके इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर के एलएचएस सेम है. अब मैं इनके आरएचएस इक्वेट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल टू वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. ओके इसको रीअरेंज किया तो मिलेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन. देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू व्हाट कैपिटल आर टाइम्स एल वन अपॉन एल टू ओके माइनस वन या फिर आप इसको बोल सकते हो आर इन टू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू. ठीक है इस तरह से आप क्या करोगे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो कैलकुलेट करोगे. ओके आपको ये आया समझ में. अब यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट एल वन अपॉन एल टू माइनस वन. ठीक है यस एक बार अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है देख लेना है. हाँ टेक्स्ट बुक में एक गलती उन्होंने ये की भी है. ओके कि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो करंट आई है यहाँ पे उन्होंने देखो कैपिटल आई यूज किया है. एक्चुअली कैपिटल आई हम लोग वो दिखाते हैं जो ई एम एफ ई जो है ये जो मेन सोर्स है वो जो सेंड करते हैं. ठीक है यस एनी वे इसका अगर मैं पूरी तरह इसको मैं समराइज करूँ तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है. ओके कि पहले केस में सिर्फ के वन को हम लोग क्लोज रखते हैं के टू ओपन रखते हैं. जब के टू ओपन रहता है और के वन क्लोज रहता है तो आप जो मेजर करोगे वो रहेगा ई वन एंड ई वन विल बी इक्वल टू वॉट के टाइम्स एल वन. जब आप के टू क्लोज करते हो तब आप जो मेजर करोगे वो रहेगा वी एक्स वाई जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ओके यस यहाँ पे उन्होंने सिंपली उसको वी बोला मैं हम लोगों ने वी एक्स वाई बोला था. और अभी आप बोलोगे सर ये डायग्राम जो है ये अलग लग रहा है. बिल्कुल भी अलग नहीं है पैरेलल कनेक्शन है. देखो ये भी पैरेलल है और हमारा भी क्या है ये पैरेलल है. आप बोलोगे सर ये जो एक्स एंड वाई है ये थोड़ा अलग है. अरे भाई ये एक्स एंड वाई को ये तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो. ये देखो ये जो है ना इसको आपने ऐसे भी कनेक्ट कर लिया तो आपको ये टेक्स्ट बुक के डायग्राम जैसा दिखेगा. और ये जो पार्ट है गैल्वेनोमीटर का वो आप डायरेक्टली ये पॉइंट को कनेक्ट कर दो लाइक दिस. ठीक है और जैसे हम लोगों ने इसको जो एक्स एन वाई बोला है आप चाहिए तो आप इसको पी एंड इसको क्यू बोल दो. यानी टेक्स्ट बुक का डायग्राम आपको मिल गया. ठीक है एक ही बात है. आई होप आपको ये आया समझ में. ठीक है यस नाउ दिस इक्वेशन गिव्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नेक्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर डिस्कस्ड अबाउट आर यूज्ड इन लैबोरेटरी. सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर आर गिवन बिलो. ओके यानी हम लोग बोलेंगे कि ये जो भी हम लोगों ने ये किया हुआ है अभी जितने भी एप्लीकेशंस देखे वो एक तरह से लैबोरेटरी में या जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ना प्रैक्टिकल्स जो एग्जाम के लिए करते हैं या जो रेगुलर 11th 12th में करते हैं उसमें ये रहता है. लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जैसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर हो गया या ऑडियो कंट्रोल हो गया तो उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर एज सेंसर उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब ये जो भी हम लोग क्या करेंगे सिंपली रीड कर लेंगे. ओके सबसे पहला जो है यहाँ पे दैट इज वोल्टेज डिवाइडर जिसको मैं पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलता हूँ. द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सप्लाई फिगर 9.11. ओके यानी ये नीचे का फिगर हम लोग अभी क्या करेंगे यहाँ पे रेफर करेंगे. ये फिगर में आप देख सकते हो कि एक ईएमएफ सोर्स है ई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने ये दिखाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. ठीक है यस उसके बाद फिर ये आपकी वायर है ये आप देख पा रहे हो ए से लेके ओके बी तक.
ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, यस। और ए एंड पॉइंट पी के बीच में, नाउ पी कैन बी एनी रैंडम पॉइंट, ओके, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो पॉइंट पी है, तो विद द हेल्प ऑफ जॉकी, ओके, जैसे जैसे आप जॉकी ए एंड बी के अलॉन्ग स्लाइड करोगे, ओके, यहाँ पे मैं अभी टच नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक तो हम लोग बोलते हैं एक तो जॉकी रहेगा या फिर स्लाइडर रहेगा। स्लाइडर क्या रहता है, स्लाइडर बेसिकली, ओके, जब हम लोग मूव करते हैं तो वो वायर के अलॉन्ग मूव होता है, और जब वो वायर के अलॉन्ग मूव होता है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस, कि पॉइंट पी जैसे जैसे इट कम्स क्लोज टू ए, पी ए पी का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि जो एल वन है, एल वन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मैं आपको ये जो पूरा सेटअप है ना, ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ वाइट स्क्रीन पे। तो ये हमारा बेसिकली ये आपका ई एम एफ ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई गई नहीं हम लोग, ठीक है, जरूरत नहीं है। और ये हमारी वायर हम लोग जो पहले ऐसे लूप में दिखाते लाए दिस, ओके, यस, ये लूप में नहीं दिखा के हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली वी आर शोइंग इट इन अ स्ट्रेट फॉर्म पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि बेसिक यहाँ पे जो एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट, तो पोटेंशियल डिवाइडर, तो जो भी हमारा डिवाइस रहेगा, ओके, तो मैं पॉइंट ए से एक कनेक्शन ले लेता हूँ, और वो जो डिवाइस है, ओके, पॉइंट ए क्या रहने वाला है, तो इट विल बी एट पॉजिटिव टर्मिनल, पॉइंट बी क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल, ओके। हम लोग बोले कि डिवाइस का जो एक एंड है वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, और डिवाइस का जो सेकेंड एंड है तो वो स्लाइडर या फिर जॉकी को कनेक्टेड है, जो आपको ये पॉइंट पी देगा, ठीक है। लेट अस से ये जो लेंथ है वो क्या है, इट इज एल वन, ओके। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सपोज अगर मुझे, ओके, जो डिवाइस को हम लोग वोल्टेज, अभी ये जो है आपका बेसिकली डिवाइस है, ओके, तो अगर आप टेक्स्ट बुक के भी डायग्राम को देखोगे, ये उन्होंने क्या बोला हुआ है, एज शोन इन द फिगर पोटेंशियल वी इज सेट अप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, वन एंड ऑफ अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पॉइंट ए, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, and the other end is connected to a slider that can move along wire AB, and that point या that other end will be negative as compared to what point A. ये तो आपको पता होना चाहिए, negative यानी क्या, it will be a point of lower potential, ठीक है। The voltage V divides in proportion of the lengths L1 and L2 as shown in the figure, okay? इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि point A and P के बीच में जो voltage रहेगा VAB, that will be equal to what, K into L1, and P and B के बीच में जो वोल्टेज रहेगा, जिसको मैं V, P भी बोलूंगा, that will be K times, okay, L2. L2 यानी क्या है? L2 is the length measured from, okay, point P to B. Okay, तो जो स्लाइडर है, उसका पोजीशन कहाँ पे आता है? Based on that, हम लोग क्या बोलेंगे? कि A and P के बीच में वोल्टेज का वैल्यू रहेगा. Now this K, K is what? हम लोग बोलते हैं K is potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना क्या, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो ये के को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीएल इनटू एल वन। अब देखिए आप यहां पे जो भी आपका डिवाइस है उसको जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वो वोल्टेज क्या कर सकते हो, आप वैरी कर सकते हो, इन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है, ओके, वो एक तरह से वैरी कर सकते हैं, कैसे, तो स्लाइडर को हम लोग क्या करते जाएंगे, ओके, सिंपली कीप इट ऑन, ओके, यानी पॉइंट ए से उसका पोजीशन चेंज करते जाएंगे, वो स्लाइडर जो है उसका पोजीशन जैसे जैसे हम लोग पॉइंट ए से दूर लेके जाएंगे, एल वन का वैल्यू बढ़ेगा, और एल वन का वैल्यू जब बढ़ता है, ये तो हम लोग बोलेंगे ए पी विच इज इक्वल टू के इन टू एल वन, उसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, यस। तो ये आपका क्या था, दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉट, वोल्टेज डिवाइडर, ओके, यस, आई होप आपको ये समझाए। और जो V2 है, V2 is equal to what, K into L2, which is K into L minus L1, okay? K को उन्होंने क्या बोला हुआ है? They have called it as dV upon dL, okay? So this was the first application which was potentiometer as voltage divider, ठीक है? तो I hope आपको potentiometer as voltage divider समझ में आया, ठीक है? Yes, ये diagram आप लोगों ने अच्छे से draw कर लेना है, ठीक है? Yes, और ये बात ध्यान में रखना है, A से लेके B तक, ये आपकी main क्या है? Potentiometer wire है, ठीक है? Yes. और
ये जो V1 दिया हुआ है, ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज आप सप्लाई करोगे डिवाइस को, ठीक है, यस. अब बेस्ड ऑन द वोल्टेज डिवाइडर कंसेप्ट ओनली हम लोग बोलते हैं कि उसका एक एप्लीकेशन क्या है, दैट इज ऑडियो कंट्रोल, ओके. अब जैसे ये क्या था, दिस वॉज योर स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो हमारा स्लाइडर है उसको जैसे हम लोग मूव कर रहे थे, ओके, अगर पॉइंट पी को हम लोग दूर लेके जाते हैं ए से, तो बी ए पी का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी आप आउटपुट वोल्टेज जो डिवाइस को दे रहे हो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ओके. बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं जो ऑडियो कंट्रोल है वो भी कुछ इसी तरह से, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न लो पावर ऑडियो सिस्टम्स एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइसेस, ओके. बोथ स्लाइडिंग एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स, ओके, जो स्लाइडिंग है उसको फेडर्स बोलते हैं एंड जो रोटरी पोटेंशियोमीटर्स है उसको नॉब्स बोलते हैं, ओके. आप लोगों ने पुराने म्यूजिक सिस्टम में देखा रहेगा, ओके, स्लाइडर्स भी रहते थे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जैसे रेडियो है तो उसमें ट्यूनिंग के लिए ऐसे रोटरी नॉब्स होते थे, यानी आप चैनल क्या करते थे, ट्यून करते थे. अब बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी क्या यूज होता है, तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का ही कंसेप्ट यूज होता है, ओके. और ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता है. सबसे पहले एकदम अगर मैं सिंपल इसमें आपको बोलूं, तो जैसे जैसे आप पॉइंट पी का पोजीशन चेंज करोगे, वापस मैं पहले वाले डायग्राम पे जाता हूं, आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज की वजह से जो करंट है आप प्रोवाइड कर रहे हो वो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा. तो बेसिकली जब इनपुट वोल्टेज, ओके, और इनपुट करंट, अभी आप बोलोगे सर इनपुट वोल्टेज है ना क्या, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है VAB, दैट विल बी इनपुट फॉर व्हाट डिवाइस, ओके. तो अगर डिवाइस को जो इनपुट मिल रहा है उसका वैल्यू सपोज बढ़ता है, तो जो डिवाइस का आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके. अब ये डिवाइस जो है वो डिवाइस क्या हो सकता है, इट कैन बी अ ट्रांजिस्टर ऑल्सो, ओके, यस. इतना आप समझ लो कि जिस तरह से आप, ओके, पॉइंट पी का पोजिशन चेंज करते हो, ओके, आप इनपुट वोल्टेज जो मिलने वाला है डिवाइस को उसका वैल्यू आप चेंज करते हो. देखो जब मैं बोलता हूँ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यानी क्या है, तो पोटेंशियोमीटर का क्या फाइनल आउटपुट है, लेकिन वो जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी इनपुट फॉर व्हाट डिवाइस, ये आपको आ रहा है समझ में. और वो जब आप इनपुट, ओके, डिवाइस का बढ़ाते हो या कम करते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ही प्रोपोर्शन में, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे कि जो भी फैक्टर रहेगा, ओके, यस, जो भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट जो डिवाइस का आउटपुट रहेगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा. जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ना, ओके, तब मैं आपको वापस ये क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. अभी के लिए आपने बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, बोथ स्लाइडिंग एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स आर रेगुलरली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन, ओके, लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, ओके. हम लोग बोलेंगे इफ द स्लाइडर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू अ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, ओके, इट कैन वर्क एज अ मोशन सेंसर. अब ये जो स्लाइडर है ना, ओके, ये हम लोगों ने कोई, ओके, मूविंग पार्ट ऑफ मशीन को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो जैसे जैसे वो पार्ट मूव होगा हम लोग बोलेंगे कि जो L1 का वैल्यू है वो वैरी होगा, और L1 का वैल्यू जब वैरी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो V1 रहेगा वो भी हम लोग बोलेंगे इट विल चेंज, ओके. नाउ बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर सिंपली एज मोशन सेंसर भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूंगा, लेट अस से कि जो हम लोगों ने स्लाइडर है जो मूविंग पार्ट को कनेक्ट किया है, लेट अस से द स्लाइडर यानी जो पॉइंट पी, इट कम्स वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, और जो इनपुट वोल्टेज रहेगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो. इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो मशीन पार्ट है, लेट अस से स्लाइडिंग पार्ट, यानी इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो एक पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, तो पिस्टन जो है वो अपने बॉटम पे आ गया, ओके. अब इसका मतलब क्या रहेगा, इसके बाद, ओके, हमें ये तो पता चल गया कि जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मूव हो रहा है, ओके, तो एटलीस्ट उसका पोजीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग दिस अरेंजमेंट, ओके, यस. तो हम लोग बोलते हैं अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्ट कॉजेज चेंज इन पोटेंशियल विच इज फर्दर एम्पलीफाइड यूजिंग एन एम्पलीफायर सर्किट, ओके. The potential difference is calibrated in terms of the displacement of the moving part. ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको, ओके, ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन किसके लिए है, ओके, तो जो स्लाइडिंग पार्ट होता है कोई भी पर्टिकुलर मशीन का, ओके, यस, तो वो कौन से पर्टिकुलर पोजिशन पे है,
सिर्फ स्लाइडिंग पार्ट नहीं, ओके, तो जो रोटरी पार्ट है उसकी भी पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे एक डिवाइस होता है या एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड, ओके, यस, जो इंजन में रहता है। तो इंजन में जो पिस्टन मूवमेंट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रोटेशनल मोशन ऑफ शाफ्ट। ये आप लोग इंजीनियरिंग में सीखोगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि स्लाइडिंग मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओके रोटेशनल मोशन, ओके, यस। तो सिर्फ स्लाइडिंग मोशन ही नहीं, हम लोग रोटेशनल मोशन को भी क्या कर सकते हैं, ओके, वी कैन एक्चुअली स्टडी इट यूजिंग व्हाट, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। तो ज्यादा आपने इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, कि जो पोटेंशियोमीटर एज वोल्टेज डिवाइडर है उसके दो एप्लीकेशन है, एक है ऑडियो कंट्रोल और एक जो है दैट इज पोटेंशियोमीटर एज सेंसर, ओके, यस। तो जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं जो स्लाइडर है वो मूविंग पार्ट के साथ मूव होगा, हम लोग बोलेंगे जो इनपुट वोल्टेज है या जो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिवाइडर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, वैरी होगा, और उससे हमें पोजिशन मिलेगी ऑफ द मूविंग पार्ट, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये जो एप्लीकेशन है एक्चुअली और डिटेल में देना चाहिए था उन्होंने विद प्रॉपर डायग्राम्स, ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ बताया हुआ है कि ऐसे भी पॉसिबल एप्लीकेशन है, ठीक है, यस। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन वोल्टेज डिवाइडर, ओके, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका डायग्राम प्लस जो मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे जो हमारा व्हाइट स्क्रीन पे मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है, ओके, ये सिंपली इसका कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। एनीवे, आज का जो लेक्चर है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ओके, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर ये देख लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट विच इज गैल्वेनोमीटर। अभी जो हम लोग गैल्वेनोमीटर कंसिडर कर रहे थे, ओके, गैल्वेनोमीटर इज वॉट, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। लेकिन वो डिवाइस कैसे फॉर्म होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं, ओके, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।